दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉर्म क्लीनर एप्लीकेशन क्या है और उसे आप अपने फ़ोन में कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी स्टॉर्म क्लीनर एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में यूज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्कैप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करनी है। दोस्तों जैसे ही प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सर्च बार में सिंपली यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टॉर्म क्लीनर। दोस्तों जैसे स्टॉर्म क्लीनर आप सर्च करेंगे आपके सामने कई सारी एप्लीकेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी स्टॉर्म क्लीनर की एप्लीकेशन की। इस एप्लीकेशन को यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन का पूरा नाम देख सकते हैं स्टॉर्म क्लीनर फोन बूस्टर। दोस्तों जैसे सर्च करेंगे आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है तो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। दोस्तों जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली इस एप्लीकेशन की जो भी परमिशन मांगे उन परमिशन को अलाउ करना है। दोस्तों जैसे परमिशन को अलाउ कर देंगे उसके बाद में एप्लीकेशन यहाँ पर आपके फोन में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन यहाँ पर मेरे फोन में कुछ इस प्रकार से ओपन हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन क्या है। तो दोस्तों ये क्लीनर एप्लीकेशन से अगर आपके फ़ोन में कोई भी वायरस वगैरह आता है तो इस एप्लीकेशन से आप अपने फ़ोन में वायरस वगैरह यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन आपके फोन में कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक बूस्ट का। सिंपली आपको बूस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिस किसी एप्लीकेशन का यहाँ पर क्लीन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सब एप्लीकेशन के साथ एक क्लीन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लीनर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। गेट गोट ईट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन रहेगी वो एकदम यहाँ पर क्लीन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे एप्लीकेशन यहाँ पर क्लीन हो रही है। जो भी एप्लीकेशन में आपका वायरस रहेगा वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। इस एप्लीकेशन इस प्रकार आप भी इस एप्लीकेशन अपने फोन में इस प्रकार यूज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर कई सारे फ्यूचर भी देखने को मिल जाएंगे। एप्लीकेशन जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर रिमूव 1.5G जो भी आपका यहाँ पर वायरस है उन वायरस को यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। मैं इस वायरस को यहाँ पर डिलीट नहीं करना चाहता, यहाँ पर रहना देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट भी याद है बहुत सारे इसमें है तो मैं इनको रहने देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी आपके वायरस है यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। इस आप बूस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जैसे ही बूस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका फोन एकदम यहाँ पर क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी एप्लीकेशन है मेरे फोन में यहाँ पर क्लीन यहाँ पर हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी स्टॉर्म क्लीनर एप्लीकेशन को इस प्रकार अपने फोन में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और दोस्तों आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर दो ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके।